और अब खबर यूपी में चल रहे एक बड़े सियासी मिशन की। ये मिशन चल रहा है वीआईपी कल्चर के खिलाफ। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गाड़ियों से लाल नीली बत्ती के साथ हूटर हटाने का काम चल रहा है। 5000 से ज्यादा गाड़ियों पर एक्शन हो चुका है, इसके साथ ही चालान भी काटे गए। देखिए, ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम है। गाड़ियों में हूटर संस्कृति के खिलाफ योगी सरकार का ये कदम है। हूटर और प्रेशर हॉर्न को हटाने के लिए ये बड़ा एक्शन। खुद को खास समझने और इसका दिखावा करने वालों के खिलाफ योगी की बड़ी स्ट्राइक है। वीआईपी कल्चर पर चला हंटर, गाड़ियों से हट रहे हैं हूटर। वीडियो देवरिया का है। हूटर उतरवाने को लेकर पुलिस के जवानों और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच बहस हो रही है। अखिलेश सिंह कागज की मांग कर रही है। पूरे मुद्दे पर अखिलेश सिंह और कोतवाली पुलिस में काफी बहस भी हुई। बाद में पुलिस ने अखिलेश की गाड़ी का 2000 का चालान भी काटा और हूटर भी उतरवा दिया। बाराबंकी का ये वायरल वीडियो चर्चा के केंद्र में है। यहाँ पुलिस कर्मियों ने आईएएस की गाड़ी को बीच चौराहे पर रोक लिया, इसके बाद नीली बत्ती उतार ली। हालांकि जिन पुलिस कर्मियों ने नीली बत्ती उतारी उन्हें लाइन हाजिर किया गया। पुलिस वालों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवालों के बीच राज्य में वीआईपी कल्चर के खिलाफ फुल स्पीड बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 11 जून से प्रदेश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ अभियान चल रहा है। 5280 गाड़ियों में लाल नीली बत्ती हटाए गए, वाहनों का चालान किया गया। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 1400 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई। यूपी के अलग अलग हिस्सों में गाड़ी में लाल नीली बत्ती लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वीडियो बहराइच का है। यहां नायब तहसीलदार के खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ। आपका शुभ नाम? कानपुर में भी ऐसी ही मुहिम चल रही है। बड़े पैमाने पर हूटर और प्रेशर हॉर्न उतारे जा रहे हैं। काले फिल्म और गलत तरीके से स्टिकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर ये बताइए, कानपुर में किस तरीके से अभियान चल रहा है और अभी तक कितनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कितने चालान वगैरह किए गए? ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जितने भी ये गाड़ियां हैं जिसमें प्रेशर हॉर्न है, जिसमें बेकन्स है, लाइट है, नीली बत्ती, लाल बत्ती, इन सब पे जो है सख्त कार्रवाई की जाए। आमतौर पर क्या देखने को मिला, किस प्रकृति के लोग हैं ये? आम आदमी हैं या इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो बत्ती जिनको नहीं लगाना चाहिए, हूटर नहीं लगाना चाहिए, वो लगा करके चल रहे हैं? इसमें तरह तरह के लोग हैं, काफ़ी सिविलियंस भी हैं जो किसी के रिश्तेदार हैं उन्होंने अपनी गाड़ी में लगा लिया, या जो है वो कोई भूतपूर्व है उन्होंने लगा लिया। इस तरह के बहुत सारे वाकयाए हैं और उन पे जो है हम लोगों ने कार्रवाई भी की है, चालान भी किए हैं, गाड़ियां भी सीज हुई हैं और प्रेशर हॉर्न्स जो है वो जब्त भी किए गए हैं। यातायात पुलिस ने ऐसे निजी वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी जिनमें पुलिस का लोगो लगा है या फिर उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार लिखा है। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए सरकार ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सीएम के निर्देश पर यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत जो निजी वाहन पर लोगो लगे होते हैं पुलिस के या फिर उत्तर प्रदेश शासन का लोगो लगा होता है उसको हटाया जा रहा है। साथ में जो नीली और लाल बत्ती की गाड़ियां जो होती हैं जिसका दुरुपयोग किया जाता है उन बत्तियों को भी हटाया जा रहा है। ना सिर्फ हटाने का ये अभियान चल रहा है बल्कि देखा जाए तो अब तक हजारों ऐसी गाड़ियां हैं जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, उनका चालान भी काटा जा चुका है और देखा जाए तो इस चालान के बाद जुर्माने के तौर पर पुलिस ने करोड़ों रुपए वसूले भी हैं। देखा जाए तो तमाम ऐसे अधिकारी होते हैं, चाहे पुलिस अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर नेताओं की बात करें, वे अनाधिकृत रूप से अपनी गाड़ियों में नीली और लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, हूटर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तो मुख्यमंत्री ने इस वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया और देखा जाए तो अब पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाया जा रहा है। 2017 में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान वीआईपी कल्चर को खत्म करने की वकालत की है। 1 मई 2017 को सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती लगाने पर रोक लगा दी गई थी। उत्तर प्रदेश में योगी की अगुवाई में इस मानसिकता के खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वीआईपी संस्कृति पर पूरी ताकत से बाबा का बुलडोजर चल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।